हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में एस क्रिकेट में। जैसा कि आपको पता है कि अगला मैच इंडिया का बांग्लादेश से 17 मार्च को होने वाला है, वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में होगा, जो स्टार्ट होगा 19 अक्टूबर को ये मैच स्टार्ट होने वाला है। तो हम इस मैच के लिए कैसी टीम बनाएंगे कि हमारा बनाई हुई जो टीम है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जिता सके। तो अगर आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे मेरे जुड़े रहें, इस वीडियो में मेरे जुड़े रहें और इस चैनल पे मेरे जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे शक्ति मिलेगी कि मैं इसको अगला वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो हमें पता है कि ये मैच 17 मार्च को खेला जाएगा। इसके पहले इंडिया जो है बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान से मैच जीत के आ रही है, और वहीं जो बांग्लादेश है वो अपना लास्ट मैच हार के आ रही है। तो इसे इनका मोराल डाउन होगा और इंडिया वालों का मोराल अप होगा। और इंडिया पहले से ही एक बहुत ही अच्छी टीम है, क्योंकि इंडिया का ये वर्ल्ड कप है जो इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी, जीतने के चांसेस बहुत हाई हैं। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपनी ड्रीम 11 की टीम्स को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आज तक जो है कितना कितना दोनों टीमें आपस में कितने कितने मैचेस खेली हैं। इन दोनों टीमों ने आज तक अभी तक 40 मैचेस खेले हैं, जिसमें से इंडिया में 3 मैच जीता है और बांग्लादेश में इंडिया ने 18 मैच जीता है, 10 मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे जीता है। वहीं बात करें हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश इंडिया में एक भी मैच नहीं जीता। बांग्लादेश में 6 मैचेस जीते हुए हैं और न्यूट्रल वेन्यू पे 2 मैचेस जीते हुए हैं। तो टोटल अभी तक ये 8 मैच जीते हुए हैं, 40 में से इन्होंने 8 मैच जीता है और 31 मैच इंडिया का जीता है। तो आप हेड टू हेड में देख सकते हैं कि इंडिया का पल्ला हमेशा ही भारी रहा है इन बांग्लादेश की टीम पे। तो आप उस चीज़ को अपने दिमाग में रख के अपनी टीम बनाइएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप किसकी तरफ कौन सा फेवर चाहते हैं। अगर आप बांग्लादेश को जिताना चाहते हैं तो आप उस तरीके की दिमाग में रख के टीम बनाइए, अगर आप इंडिया को जिताना चाहते हैं तो आप उस तरीके की दिमाग में रख के टीम को बनाइए। ठीक है दोस्तों, फिर आइए हम देखते हैं कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी। जैसा कि हमको पता है कि टीम इंडिया जो है अनचेंज ही जाने वाली है। टीम इंडिया के कैप्टन है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविचंद्र अश्विन, और ये हो सकता है कि शार्दुल या रविंद्र जडेजा और ये हो सकता है कि रविंद्र जडेजा और शार्दुल में कोई एक प्लेयर खेलेगा। मोस्ट प्रॉबल चांस है कि जो रोहित शर्मा हैं वो रविंद्र जडेजा शार्दुल के साथ ही जाएं, क्योंकि जो पुणे की पिच है वो स्पिनर्स को कम मदद मिलती है वहाँ पे। तो हो सकता है कि शार्दुल ही प्रेफर करें। आगे हम पिच रिपोर्ट में देखेंगे कि वहाँ पे कितना स्कोर बनता है, तो इससे आपको आइडिया चल जाएगा। नेक्स्ट होंगे कुलदीप यादव, फिर होंगे जसप्रीत बुमराह, फिर होंगे मोहम्मद शमी। ये जैसा कि हम लास्ट मैचेस में देख चुके हैं, बांग्लादेश की टीम का मोराल काफ़ी डाउन है, इसलिए इनकी मोस्ट प्रोबेबल टीम जो है वो लिट्टन दास, तंजीर हसन, मेहदी हसन, संतो, साकिब, मुस्तफिकुर रहीम, हिरदोए एंड महमूदुल्ला, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहीम एंड मुरफ शरीफ इस्लाम। ये मोस्ट प्रोबेबल टीम होगी जो मेरे अकॉर्डिंग बांग्लादेश की है। जैसा कि इन 22 प्लेयरों में से हमें 11 प्लेयर चूज़ करने हैं जो हमारे ड्रीम इलेवन में हमें
ज़्यादा स्कोर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देना है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में है, जो उसका करेंट फॉर्म क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको आप अपनी टीम में रखेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए हम वन बाय वन हर एक प्लेयर के स्टैट्स देख लेते हैं कि करेंट फॉर्म क्या है उनका, उस हिसाब से हम ये देखेंगे कि इनको अपनी टीम में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगले अगले में हम बात करेंगे टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा की। तो कैप्टन रोहित शर्मा बहुत दिनों से खेल रहे हैं, बट मैं बहुत दिनों के स्टैट्स पे नहीं जाऊंगा, जो करेंट 3 ईयर्स के स्टैट्स हैं, और करेंट 3 ईयर्स के भी स्टैट्स पे मैं जाना प्रेफर नहीं करूंगा। जो हाल ही में 2023 का स्टैट्स है, आप ये देख सकते हैं कि उनका 2023 का स्टैट्स क्या है, उस हिसाब से हम जो है अपना उस हिसाब से हम अपनी टीम को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने कुल मिला के 19 मैच खेला हुआ है, 19 मैच में इन्होंने 18 इनिंग खेली हुई है, जिसमें से वो 2 बार नॉट आउट गए हैं, और इन 19 मैचों में उन्होंने 2 सेंचुरी, 7 हाफ सेंचुरी, ठीक है, और 2 बार वो डक पे आउट हुए हैं। हाईएस्ट इनका जो है 131 का है। टोटल रन उन्होंने बनाए हैं 875, जिसमें उनका एवरेज है 54.69 का, और उन्होंने बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 116 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, जिन और उन्होंने जो है 7 कैचेस पकड़े। तो ये कैचेस तो उतने मैटर नहीं करते, बट ये जो चीज़ है, जो इनका औसत है, जो करेंट हालिया फॉर्म है, इनको कंसीडर किया जाएगा। बट अगर पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि आप जो है इंडिया को फेवर कर रहे हैं कि हम इंडिया को चाहते हैं कि जीते, इंडिया क्यों चाहते हैं जीते, क्योंकि हमने हेड टू हेड में देख लिया कि इंडिया का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, और करेंट जो टीम है वो बांग्लादेश की टीम से ज़्यादा अच्छी है, तो मोस्ट प्रॉबल चांस है कि इंडिया जीतेगी ही जीतेगी। और अगर इंडिया जीतेगी तो इसमें इंडिया के टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन हैं उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा। अब जब टॉप ऑर्डर बैट्समैन का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा, यानी बांग्लादेश के जो जो पेसर्स हैं, ठीक है, उनको विकेट नहीं मिलेगा, तभी इंडिया के टॉप ऑर्डर्स का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। तो आप इस तरीके से अपनी एनालिसिस करिए, अपने अकॉर्डिंग टीम बनाइए, ठीक है। तो मैं अपनी टीम में रोहित शर्मा को कंसिडर ज़रूर करूँगा कि वो जो है हमारे मेरे टीम का हिस्सा रहें। फिर बात करते हैं हम शुभमन गिल की। शुभमन गिल का हम रिकॉर्ड देखते हैं। शुभमन गिल का हालिया फॉर्म बहुत ही अच्छा है दोस्तों। वो 20 मैच में 20 इनिंग खेले हुए हैं, जिसमें से वो 3 बार नॉट आउट गए हैं, और उन्होंने 20 मैच में 5 सेंचुरी बनाई है, 5 हाफ सेंचुरी बनाई है, 1 बार वो डक पे आउट हुए हैं, और उन्होंने उनका हाईएस्ट जो है वो 208 का है। उनका टोटल रन है इन 20 मैचों में 1230, और उनका जो हालिया फॉर्म का जो एवरेज है वो है 772, 72 का एवरेज है, जिसमें से उन्होंने 105 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 72 के एवरेज से 1230 रन बनाए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर आप अपनी टीम बना रहे हैं तो शुभमन गिल को ज़रूर से कंसीडर करें, क्योंकि ये आपको एक अच्छा पॉइंट दे के जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 3 पे विराट कोहली, जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, और उनके हालिया फॉर्म भी कुछ वैसा सही है जैसा शुभमन गिल का है। आप 18 मैच में 15 इनिंग में 3 बार वो नॉट आउट गए हैं, 3 सेंचुरी है उनकी, 4 हाफ सेंचुरी है, ठीक है, और 166 रन टॉप हाईएस्ट स्कोर है उनका, 752 रन उन्होंने टोटल बनाए हैं, जिसमें से उनका जो एवरेज रहा है वो 62 का है, और स्ट्राइक रेट जो है 105 का है। तो आप इन 3 प्लेयर को तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे जब भी आप अपनी टीम बनाएं, ठीक है, जब भी आप अपनी टीम बनाएं, तो इन 3 प्लेयर्स को आपको कंसीडर करना ही करना है। विदाउट इन 3 प्लेयर के आप अपनी टीम तो बना नहीं सकते, क्योंकि इन सबका हालिया फॉर्म बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और आप कंसिडर कर रहे हैं कि इंडिया जो है ये मैच जीत रही है, तो इंडिया मैच जीत रही है यानी टॉप ऑर्डर इंडिया का चलेगा, और चलेगा तो ये 3 तो ज़रूर से ही ज़रूर चलेंगे। तो आप इन 3 को
देख लीजिए, आप अपनी इन तीन को अपने टीम में रखिएगा ही रखिएगा, बाकी हम देखते हैं कि सारे बल्लेबाजों का कैसा स्टैट्स है। श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर भी अच्छे फॉर्म में है, नंबर 4 पे आते हैं बैटिंग करने के लिए इंडिया की तरफ से। उन्होंने 10 मैच 9 इनिंग खेली है, जिसमें से एक बार वो नॉट आउट गए, एक सेंचुरी मारी है उन्होंने, और हाईएस्ट उनका 105 रन है, 289 रन बनाए, जिसमें से उनका 36 का एवरेज है, यानी ठीक ठाक एवरेज है। तो अभी के लिए मैं नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर को कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नंबर 4 पे वो बल्लेबाज हो जो अच्छे फॉर्म में हो, अच्छे फॉर्म में हो, ठीक है। प्लस जो है हो सकता है कि अगर ये तीन बैट्समैन हमारे विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा चले, तो इन श्रेयस अय्यर का ज़्यादा नंबर ना आए, ठीक है, ज़्यादा खेलने का चांस ना आए, हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं केएल राहुल। केएल राहुल का भी हालिया फॉर्म बहुत ही अच्छा है, उनका भी आप एवरेज देख सकते हैं कि 78 के एवरेज से उन्होंने 15 मैचों में 628 रन बनाए हैं, जिसमें से उन्होंने एक सेंचुरी लगाई है, 5 हाफ सेंचुरी लगाई है, और वो 5 बार नॉट आउट गए हैं। ये नंबर 5 पे खेलने आते हैं, तो और ये साथ ही साथ विकेट कीपिंग करते हैं, ठीक है। तो यानी आपको इन, आप अगर चाहें तो इनको कंसिडर कर सकते हैं, मैं अपनी टीम में इनको रखूँगा ही रखूँगा, क्योंकि एज अ विकेट कीपर ये मुझे उससे भी पॉइंट दिलाएंगे, जब ये कैच करेंगे, जब ये स्टंपिंग करेंगे, जब ये रन आउट करेंगे। प्लस जो है ये बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, ये आजकल करेंट फॉर्म भी इनका बहुत अच्छा है, तो मैं इनको अपनी टीम में कंसिडर करूँगा। नेक्स्ट प्लेयर को देखते हैं कि हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का भी एवरेज विद द बॉल एंड विद द बैट जो है वो डिसेंट सा है। डिसेंट का मतलब कि उनको ज़्यादा चांसेस मिलते नहीं हैं विद द बैट से, तो उनका जो करेंट हालिया फॉर्म है 34 का एवरेज है, 34 के एवरेज से उन्होंने 383 रन बनाए हैं, जिसमें से उनका हाईएस्ट है 87, और उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं लगाई है, उन्होंने 3 हाफ सेंचुरी लगाई है, ठीक है, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 94.80 का है। यानी ये एक डिसेंट से ऑलराउंडर हैं अपने। अगर ऑलराउंडर आपको चॉइस करना हो तो आप हार्दिक पांड्या या साकिब अल हसन, आप साकिब अल हसन का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो इन दोनों को आप कंसिडर ज़रूर करिएगा अपनी टीम में। मैं भी अपनी टीम में इन दोनों को ज़रूर कंसिडर करूँगा। नेक्स्ट आते हैं रविंद्र जडेजा। तो मुश्किलात ये है कि रविंद्र जडेजा और साकिब अल हसन और हार्दिक पांड्या, वी कैन चूज़, हम तीनों को चूज़ कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा को देख लेते हैं। रविंद्र जडेजा का जो एवरेज है वो 27 का है, उन्होंने 27 की एवरेज से 189 रन बनाए हैं, जिसमें से 45 रन हाईएस्ट है, ठीक है, और 5 बार वो नॉट आउट गए हैं। तो ज़्यादा रविंद्र जडेजा की ज़्यादा चांस नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, बट उन्होंने बॉलिंग में बहुत कंसिडर बॉलिंग में इंडिया को बहुत ही हेल्प दी है। उन्होंने 17 मैच में टोटल उन्होंने 17 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 18 विकेट मारे हैं, जिसमें से हाईएस्ट उनका तीन तीन विकेट 28 रन देके है, जिनमें उनका जो एवरेज है वो 30 का है, ठीक है, और जो स्ट्राइक रेट है वो 38.11 का है, और जो उनकी इकोनॉमी है वो 4.74 की है। यानी बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छी रेट से वो बॉलिंग करते हैं, तो आप भी इनको अपनी टीम में रख सकते हैं एज अ ऑलराउंडर। ये आपको पॉइंट्स दिलाएंगे ही दिलाएंगे। यानी अभी तक हमारे कितने प्लेयर हो गए, अगर आप काउंट करें मेरा मेरी टीम में, तो वो हो गए श्रेयस अय्यर को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो हो गए केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, और फिर देखते हैं कि हमें कौन सा गेंदबाज चाहिए, कौन सा बैट्समैन चाहिए, और
जो मुझे हेल्प कर सकते। तो रविंद्र चंद्र अश्विन है। रविंद्र चंद्र अश्विन को अगर आप कंसिडर करते हैं, यानी आपको जो है बांग्लादेश का जो मिडिल ऑर्डर है उनके प्लेयर्स को चूज़ नहीं करना पड़ेगा, और उन मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं अपने साकिब अल हसन, मिसफ़ुकीर रहीम और हरदोई, तो इन लोगों को आप कंसीडर नहीं करेंगे अगर आप रविंद्र चंद्र अश्विन को कंसीडर करते हैं तो। यानी ये स्ट्रेटजी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और रविंद्र चंद्र अश्विन का जो हालिया बैटिंग का रिकॉर्ड है वो कुछ खास नहीं है, क्योंकि इनको इतना चांस 2023 में मिला नहीं है। बट आप जब बॉलिंग का रिकॉर्ड देखते हैं तो बॉलिंग में खैर 2023 में इनको इतना चांस मिला नहीं, लेकिन इन्होंने 3 मैच में 5 विकेट लिए हैं, जिसमें से 3 विकेट जो है 41 रन देकर है, और जो एवरेज है उनका वो 24 का है, और जो स्ट्राइक रेट है उनका 32.40 का है, जो इकोनॉमी है उनकी 4.52 की है। यानी अगर आपको रविचंद्र अश्विन को अपनी टीम में कंसीडर करना है तो आप जो है बांग्लादेश की जो मिडिल ऑर्डर है उसको अपनी टीम में कंसीडर नहीं करिएगा। क्यों? लेकिन मैं अपनी टीम में रविंद्र चंद्र अश्विन को कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपने बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर को कंसीडर करना है और अपने जो पेस बॉलिंग है उनको भी कंसीडर करना है, इसलिए मैं अपने रविंद्र चंद्र अश्विन को कंसीडर नहीं करूँगा। शार्दुल का भी सेम सिनारियो है कि शार्दुल भी अगर आते हैं तो ये मिडिल में फेंकने आते हैं, और मिडिल में ये जब फेंकने आएंगे तो आपको आप जो है उनको कंसिडर नहीं कर पाएंगे, जो बांग्लादेश के मिडिल प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर है बांग्लादेश का, ठीक है। इसलिए मैं शार्दुल को भी अपनी टीम में नहीं रखूँगा। बट अगर आप अपनी टीम में रखना चाहते हैं तो शार्दुल का स्टैट्स ये है कि शार्दुल ने 15 मैच में जो है 20 विकेट लिए हैं, जिसमें से उन्होंने एक बार 4 विकेट लिया है, 4 रन देके 37 रन देके उन्होंने 4 विकेट मारा था। उनका जो एवरेज है वो 24.65 का है, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 23.65 का है, और जो उनकी इकोनॉमी है वो 6.25 की है। यानी ये थोड़े से महंगे साबित होते हैं हर एक मैच में, ठीक है। लेकिन इनके पास वो गोल्डन आर्म है जिससे ये विकेट हमेशा हर एक पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब होते हैं। तो आप चाहें तो इनको अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं, मैं इनको अपनी टीम में कंसीडर नहीं करूँगा। अब आते हैं हम कुलदीप यादव बहुत ही अच्छे और अपने प्रचंड फॉर्म में हैं इन 2023 में। उन्होंने 2023 में जो है 38 विकेट झटके हैं, 3 बार सॉरी 5 विकेट उन्होंने 25 रन देके लिए थे, और उनका जो एवरेज है वो 17 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट जो है 22.42 का है, और जो इकोनॉमी है वो 4.55 की है। यानी ये आप अपने 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 टीम में इनको कंसीडर कर सकते हैं। मैं भी अपनी टीम में इनको कंसीडर करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ अपनी टीम में इनको कंसीडर करने के लिए यहाँ पे टिक लगा लेता हूँ। मैंने अपनी टीम में इनको कंसीडर कर लिया, यानी टोटल मेरी टीम में 1 2 3 4 एंड 5 6 6 प्लेयर जो है टीम इंडिया के हो गए। और नेक्स्ट प्लेयर हैं हमारे जो जिनको मैं पिक करना चाहूँगा वो है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भी अपने इस बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। 9 मैचों में उन्होंने 16 विकेट मारे हैं, जिसमें से 39 रन देके 4 विकेट उनका हाईएस्ट है। उनका जो एवरेज है वो 18 का है, जो स्ट्राइक रेट है वो 24 का है, और जो इकोनॉमी है उनकी 4.50 की है। तो आप इनको अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं, मैं भी अपनी टीम में कंसीडर करूँगा। तो इसलिए मैं जो है अपनी टीम के लिए टीम में इनको टिक कर लेता हूँ कि बुमराह। शामी भी सॉरी मोहम्मद सिराज भी हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, तो आप इनको अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं। 1 2 3 और रविंद्र जडेजा 4, केएल राहुल 5, पांच 3 8 प्लेयर हैं, जो कि 8 प्लेयर मुझे लगता नहीं कि एक टीम में हम रख सकते हैं। तो किसी ना किसी को मुझे अपने टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं रविंद्र जडेजा को अपनी टीम से ड्रॉप करूँगा। क्यों? क्योंकि जो पिच है वो जो है बैट्समैन के फ्रेंडली है, इसलिए मैं रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में
नहीं रखूँगा, अब मैं इनको क्रॉस करता हूँ अपनी टीम से, मैं इनको नहीं रखूँगा अपनी टीम में। नेक्स्ट हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, तो लिटन डॉस इनके ओपनर हैं जो इतने अच्छे फॉर्म में कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं कि एज अ ओपनर इनका 25 का एवरेज है, 25 के एवरेज से इन्होंने 427 रन बनाए हैं 20 मैचों में, जिनमें से उन्होंने 450 लगाई है। तो कोई इतना खास फॉर्म है नहीं, इसलिए आप इनको कंसिडर करें या ना करें ये टोटली आपके ऊपर है, बट मैं नहीं कंसिडर अपनी टीम में करूँगा इनको, क्योंकि मैंने जसप्रीत बुमराह को भी अपनी टीम में रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ये एक अच्छे एसेट हैं जसप्रीत बुमराह के, कि जो जसप्रीत बुमराह इनका विकेट ले सकते हैं। नेक्स्ट ये बहुत ही नए प्लेयर हैं, तो आप अगर गैम्बल खेलना चाहें तो आप गैम्बल खेल सकते हैं, बट मैं नहीं खेलना चाहता। मैं बिल्कुल परफेक्ट टीम बनाना चाहता हूँ, एज कि उस एक्सपेक्ट में बनाना चाहता हूँ कि मैं जो है इंडिया को ही जिताऊँ, बांग्लादेश को नहीं। तो इन्होंने 8 मैच खेला है, 8 मैच में इन्होंने अभी तक 56 रन बनाए, जिसमें से 16 रन इनका हाईएस्ट रन है। तो आप चाहें तो इनको कंसीडर कर सकते हैं, अगर पॉइंट्स कम हैं आपके पास, मैं इनको अपनी टीम में कंसीडर नहीं करूँगा। मेहदी हसन मिराज ये एक अच्छे प्लेयर हैं, जो एज अ बैट्समैन भी काम हैंडी हैं और एज अ बॉलर भी ये बहुत अच्छे विकेट्स टेकिंग हैं। इन्होंने 18 मैच में 385 रन बनाया है बांग्लादेश की तरफ से, जिसमें से उन्होंने 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी लगाई है। ठीक है, उनका एवरेज जो है वो 25 का है, उनका स्ट्राइक रेट जो है 75 का है, और 18 मैच में इन्होंने 15 विकेट भी मारे हैं। यानी ये एक अच्छे डिसेंट से प्लेयर हैं, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। मैं भी अपनी टीम में इनको कंसीडर करूँगा, तो मैं अपनी टीम में इनको टिक कर लेता हूँ कि मेहदी हसन मिराज मैं इनको अपने टीम में टिक कर लेता हूँ। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 8 प्लेयर, 3 प्लेयर और चाहिए, तो मैं शाकिब को टिक करूँगा, क्योंकि शाकिब एज अ बैट्समैन एज अ बॉलर वो बहुत ही अच्छे हैं। शांटो भी अच्छे बैट्समैन तो हैं बांग्लादेश की तरफ से, उनका जो एवरेज है वो 47 का है, तो एज अ बैट्समैन आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। उन्होंने 47 के एवरेज से 764 रन बनाए बांग्लादेश की तरफ से, बहुत ही अच्छा है मैच खेलते हैं, जिसमें से उन्होंने 2 बार सेंचुरी बनाई है और 6 बार हाफ सेंचुरी बनाई है। तो मैं भी इनको अपनी टीम में रखूँगा, मैं भी अपनी टीम में इनको रखूँगा, तो मैं अपनी टीम में इनको टिक कर लेता हूँ। ये रही मेरी टीम, और संटो होंगे मेरी टीम में, यानी 3 प्लेयर यहाँ से, 3 3 6 1 2 3 4, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव 5, हार्दिक पांड्या 6 6, और ये 3 9, केएल राहुल 10, और 1 प्लेयर और चाहिए हमें जो मेरी टीम में हो। आपके लिए मैं सबका स्टैट्स देख लेता हूँ कि ये हैं शाकिब अल हसन विद द बैट, इनका बहुत ही अच्छा साल रहा है, 35 की एवरेज से इन्होंने 604 रन बनाए हैं 19 मैचों में, जिनमें 5 हाफ सेंचुरी शामिल हैं, और उन्होंने 19 विकेट भी लिए हैं। ठीक है, तो आप इनको कंसीडर करेंगे, मैं भी कंसीडर करूँगा ही। मिसबुकुर रहीम की बात करें, मिसबुकुर रहीम का जो हालिया फॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं है, बट बांग्लादेश की तरफ से ये एक अच्छे एसेट बन जाते हैं कभी कभी जब बांग्लादेश की ज़रूरत होती है, तो आप इनको जो है कंसीडर कर सकते हैं। इन्होंने 35 के एवरेज से 604 रन बनाए हैं 19 मैचों में, जिसमें से 5 हाफ सेंचुरी शामिल हैं, और ये एज अ विकेट कीपर भी हैं, तो आपको हमेशा जो है वो एज प्रदान रहेगा कि जो कैचेस होंगे जो रन आउट होंगे वो आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हृदय की बात करें, तो ये एक नए प्लेयर हैं। ठीक है, इन्होंने इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 92 का है, 35 की एवरेज से उन्होंने 570 रन बनाए हैं 20 मैचों में, जिनमें से 5 हाफ सेंचुरी है इनके पास।
ठीक है, तो आप इनको आप अपनी टीम में चाहें तो इनको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इनका हालिया फॉर्म जो है वो बहुत ही तो नहीं कह सकते बट ऑन इन एवरेज ठीक ठाक है बांग्लादेश की तरफ से। महमूदुल्ला का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, महमूदुल्ला का 8 मैच में इन्होंने केवल 36 की एवरेज से रन बनाया, 8 मैच में इन्होंने 182 रन बनाए हैं, ठीक है। तो आप इनका हालिया फॉर्म इतना अच्छा नहीं है और ये विद द बॉल भी आजकल कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखूँगा। आप चाहें तो अपनी टीम में रख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं तस्कीन अहमद। तस्कीन अहमद एक अच्छे बांग्लादेश के बॉलर हैं, अगर इनका हालिया फॉर्म देखा जाए तो 14 मैचों में इन्होंने अपने 14 मैचों में इन्होंने जो है 23 विकेट मारे हैं, जिसमें से एक बार इन्होंने 4 विकेट लिया है, 4 रन 44 रन देके 4 विकेट झटके थे इन्होंने, जिसमें इनका एवरेज है वो 28.87 का है और जो स्ट्राइक रेट है वो 26.74 की है, जो इकोनॉमी है वो 4.86 8 की है। तो आप इनको अपनी टीम में रखेंगे, लेकिन अगर आप इनको अपनी टीम में रखते हैं और ये अगर विकेट मारते हैं तो ये विकेट किसका मारेंगे, या तो रोहित शर्मा, या तो विराट कोहली, या तो शुभमन गिल, ठीक है। तो यानी आप वहाँ से अपना पॉइंट कट कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी इनको अपनी टीम में इनको रखेंगे तो आप जो है इंडिया टीम के जो टॉप ऑर्डर है उसको देख लीजिएगा कि कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना ही होगा। मुस्तफिजुर आते हैं, मुस्तफिजुर स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हैं, मुस्तफिजुर लास्ट में भी बॉलिंग करते हैं, तो मुस्तफिजुर को आप अपनी टीम में रख सकते हैं, ठीक है। 14 मैच में इन्होंने 17 विकेट लिए हैं, 44 रन देके 4 विकेट इनका हाईएस्ट है, 32 का एवरेज है, ठीक है, 37.82 की इनका स्ट्राइक रेट है और जो इकोनॉमी उनकी 5.14 की है, ठीक है। तो ये लास्ट में भी बॉलिंग करते हैं, ये स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो आप इनको अपनी टीम में चाहे तो रख सकते हैं, मैं भी अपनी टीम में इनको रखूँगा, तो मैं अपनी टीम में इनको रख लेता हूँ, मैं कंसिडर कर लेता हूँ मुस्तफिजुर, मुस्तफिजुर, ठीक है। तो 4 प्लेयर यहाँ से और बाकी जो प्लेयर्स होंगे वो मेरे इंडियन टीम से होंगे। फिर आते हैं शरीफुल इस्लाम के साथ, ये एक उभरते हुए सितारे हैं बांग्लादेश के, जिन्होंने 11 मैच में 21 विकेट मारा है, एक बार इन्होंने 21 रन देके 4 विकेट लिया है, एवरेज इनका 20.95 का है, स्ट्राइक रेट इनका 23.48 का है और जो इकोनॉमी है इनकी 5.35 की है। तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, ठीक है। बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इंडिया टीम जीतेगी और इंडिया टीम का टॉप ऑर्डर चलेगा, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में कंसिडर नहीं करूँगा। जो जो इस एक्सपेक्ट से अपनी टीम बनाएंगे कि इंडिया टीम का टॉप इंडिया टीम जीतेगी और इंडिया टीम का टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, तो वो शरीफुल इस्लाम को अपनी टीम में रख सकते हैं। अब आते हैं कि जहाँ हमारा मैच हो रहा है उसका उस जो स्टेडियम है उसका स्टैट्स क्या है, वहाँ पे टोटल 7 मैच हुए हैं, आप देख सकते हैं टोटल 7 मैच हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली जो टीम है वो 4 बार जीती है, दूसरे बार बैटिंग करने वाली टीम वो 3 बार जीती है, एक भी मैच टाई नहीं रहा है। जहाँ वहाँ एवरेज इसको 307 का रहता है और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 350 का है, जो लोवेस्ट स्कोर है वो है उनका 230 का है, यानी ऑन इन एवरेज यहाँ पे 300 रन से ऊपर टोटल बनता ही बनता है। ऑन इन एवरेज यहाँ पे टोटल ये स्कोर बनता ही बनता है। तो आप जो है अगर अपनी टीम में अपनी जो टीम बनाएंगे तो इस चीज़ को देख के ज़रूर बनाएं कि आपकी जो टीम है वो बैट्समैन के फेवर में हो, न कि बॉलर के फेवर में हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने यहाँ बैट्समैन रखें अपनी टीम में और ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर रखें, तो आपको शायद इस चीज़ से फ़ायदा मिले। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। अगर आप मेरी बनाई हुई टीम से कुछ भी अर्निंग करते हैं तो प्लीज़
मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको पूरा का पूरा रिप्लाई करूँगा। आगे आने वाले अगर आप ड्रीम इलेवन में टीम बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं हर एक मैचेस के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा स्टैट्स के साथ। देखिए, सिंपल सी बात है कि आपको जो है ये माइंड में ज़रूर कंसीडर करना है कि किस टीम को आप जो है फेवर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टीम बनानी है। ठीक है, तो आप एक टीम एक 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 एंगल से देखिए, दूसरी टीम दूसरे एंगल से देखिए, तीसरी टीम तीसरे एंगल से देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर ही आप जीतेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट का चांस है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगा। ओके, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।